अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रोमाना मेहताब है। हमें चिल्ड्रन सर्कल के ग्रुप की तरफ से कुछ एक्टिविटीज़ मिली थी रमज़ान में करने के लिए, तो मैं आपको वो आज दिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको ये ट्री दिखाने वाली हूँ। जो होती है एक ड्राम जो है ये बताती है एक अशरा, और जो हमने मैंने ये लीव्स लगा रखी हैं एक लीव्स बताती है एक अच्छा काम करा है हमने, और एक फ्लावर बताता है कि हमने एक दुआ याद कर ली, और जो बटरफ्लाई है वो बताते हैं कि हमने एक सुरा याद कर ली। तो अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ सदका बॉक्स। ये भी हमें एक्टिविटी मिली थी कि हमें रमज़ान में इसमें सदका डालना था डेली, तो इसमें मेरे तकरीबन 400 रुपीज़ हो गए थे, वो हमें किसी को देने थे तो मैंने दे दिए। तो अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ यह टाइम टेबल। इसमें हमें चीज़ें लिखवाई गई थी, हेल्प के लिए कि ऐसे ऐसे करना है, तो इसमें वो सब लिखा हुआ है और इससे हमें बहुत हेल्प मिली है। सबसे मेन चीज़ जो है वो है सलाह चाट। एक शीट निकाल के दिखा दो। तो इस चार्ट में हमें क्या करना था कि डेली नमाज पढ़नी थी और माफ करना था। तो अगर हमने ऑन टाइम पढ़ी है तो हम ग्रीन से लिख देंगे उस नमाज का नाम, और अगर हमने थोड़ी लेट पढ़ी है मतलब लेट चला पढ़ी है तो हम येलो से लिख देंगे, और अगर हमने गजा पढ़ी है तो हम ऑरेंज से लिख देंगे, और अगर हमने पढ़ी ही नहीं है तो हम रेड से लिखेंगे। तो ये हमें करना था और इससे मुझे बहुत हेल्प मिली है, और अब मैं अपनी नमाज की पाबंदी करती हूँ। जज़ाकअल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम आमना सदाफ है और मैं आपको रमज़ान की एक्टिविटीज़ जो हमने बनाई है मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। पहले है हमारा सदका बॉक्स जो कि हमने रमज़ानों में बनाया था और इसमें हमने कुछ ना कुछ रोज़ डाला था। अब नेक्स्ट है टाइम टेबल हमारा जो जिसमें बहुत हेल्पफुल थी चीज़ें हमारे लिए, हेल्प के लिए दी गई थी हमें, जो हमने रोज़ फॉलो की थी इन्हें। अब नेक्स्ट है हमारा ट्री जिसमें एक लीव जो है वो कंटेन्स करती है गुड डीड, वन गुड डीड, और एक जो बटरफ्लाई है वो हम जब सूरत याद कर लेते हैं तो हमें वो पेस्ट करनी थी, और एक जो फ्लावर है वो हमें जब हम एक दुआ याद कर लेंगे तो हमें वो पेस्ट करनी थी। नेक्स्ट है हमारा नमाज रिकॉर्ड जो मैंने एक फाइल में किया था, और ये जो है जब हम ग्रीन से लिखे हैं ग्रीन कलर, जब हम ऑन टाइम पढ़ेंगे तभी हमें ग्रीन कलर से लिखना था, और जब हम थोड़ा सा लेट हो जाते हैं तो हम येलो से लिखेंगे, और रोज़ हमें इसमें 3 नेम्स लिखने थे, और अगर हमने नहीं पढ़ी है तो हम रेड से लिखेंगे, और अगर हमने कज़ा पढ़ी है तो हम ऑरेंज से लिखेंगे। यही हमारा नमाज रिकॉर्ड था, और ये एक्टिविटी से हमें बहुत हेल्पफुल थी, और जिससे हम नमाज के पूरे वो हो गए, पाबंद हो गए। और जज़ाकअल्लाह खैर। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सैयद अनस है, मैं आपको रमज़ान की एक्टिविटी दिखाऊंगा। ये मैं एक ट्री है, एक फ्लावर मीन्स एक दुआ याद करना, और एक लीफ मीन्स एक अच्छा काम करना, और एक बटरफ्लाई का मतलब है एक सूरत याद करना। ये मेरा रमज़ान का टाइम टेबल है, ये बहुत मेरे लिए हेल्पफुल रहा है, और मैंने इसे फॉलो किया। ये मेरा सदका बॉक्स है, मैंने इसे डेली सदका डाला है, और ये मेरे नमाज के हैंड्स हैं। अगर ऑन टाइम पढ़ी है तो ग्रीन से लिखना है, और अगर थोड़ी लेट पढ़ी है तो येलो से लिखना है, और अगर कज़ा पढ़ी है तो ऑरेंज से लिखना है, और अगर नहीं पढ़ी तो रेड से लिखना है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
मेरा नाम उम्मे हानिया। आज मैं आपको रमज़ान में एक्टिविटीज़ जो मैंने की थी वो मैं दिखाऊंगी। ये मेरा ट्री है, मैंने बनाया था ये ट्री। इसका मीनिंग है वन ब्रांच वन अशरा, वन लीफ वन गुड डीड, वन फ्लावर वन दुआ, वन बटरफ्लाई लर्न वन सूरा। मैंने ये सब किया था और मैंने फेज भी कर दिया। और सेकेंड चीज़ है ये मेरा टाइम टेबल है, इसमें लिखा हुआ है जो सब कुछ हमें लिखवाया गया था। इसमें ये हेल्पफुल टिप्स हैं, इससे हमें बहुत फ़ायदा हेल्प मिली है। और अब है ये हैंड ये इसमें मैंने हर फिंगर्स में मैंने वो नमाज लिख रखी है। मैं अगर आपने ऑन टाइम पढ़ी है नमाज तो आपको ग्रीन से लिखना है, अगर आपने थोड़ी सी लेट पढ़ी है तो आपको ऑरेंज से लिखना येलो से लिखना है, अगर आपने कज़ा पढ़ी है तो आपको ऑरेंज से लिखना है, और अगर आपने पढ़ी नहीं है तो आपको रेड से लिखना है। ये देखिए, और अब सदका बॉक्स है। ये सदका बॉक्स मैंने बनाया था, इसमें मैंने हर दिन सदके के पैसे डाले हैं रमज़ानों में। ये मेरी सारी चीज़ें थी जो मैंने रमज़ान में एक्टिविटीज़ करी थी, और इससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। मैं नमाज की पाबंद हो गई हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम आयशा है और हमारे टीचर्स ने हमें रमज़ान के लिए कुछ एक्टिविटीज़ दी थी, जैसे कि ये टाइम टेबल है, कार्ड है इसमें, यह कुरान है, और ये टाइम टेबल कुछ इस तरीके से आप देख लीजिए, ठीक है। फिर इसमें ये सदका बॉक्स है, इसमें मैं रोज़ाना कुछ ना कुछ सदका करती हूँ। यहाँ पर मैं पैसे डालती हूँ और ये पैसे निकालने के लिए जगह बना रखी है, ठीक है। फिर हमारे टीचर्स ने कहा था कि ऐसे रमज़ान नमाज का एक रिकॉर्ड बनाना है, जैसे कि उन्होंने कहा था कि 30 हाथ बनाने हैं 30 रोज़ों के, उन पर इस तरीके से कुछ स्टिक लगानी है, जैसे कि ये सारी मैंने लगाई हुई है। और जैसे कि अगर हमने बिल्कुल टाइम पे पढ़ी है तो ग्रीन लगानी है, ग्रीन कलर का से लिखना है, और अगर हमने लेट पढ़ी है तो येलो से, और अगर कज़ा पढ़ी है तो ऑरेंज से, अगर पढ़ी ही नहीं है तो रेड कलर से। मैंने यहाँ पे कुछ कुछ येलो से लिखी है, लेकिन बस कुछ कुछ है जो मैंने लेट पढ़ी है, बाकी मैंने सारी ऑन टाइम पर पढ़ी है। फिर ये है मेरा रमज़ान का रिकॉर्ड, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि एक ब्रांच एक अशरे के लिए, जैसे कि रमज़ान में टोटल 3 अशरा होते हैं, तो यहाँ पे एक ब्रांच एक अशरे के लिए है, एक लीफ एक अच्छे काम के लिए है, जैसे कि कोई अच्छा काम हो तो उसके लिए एक लीफ है, और एक फ्लावर एक अच्छी एक मतलब दुआ और मायनों के साथ जैसे हमने याद की हो उसके लिए एक फ्लावर है, और एक बटरफ्लाई सूरा याद करनी होती है जैसे तीसरे सिपारे की विद मीनिंग। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ऐसे कुछ फ्लावर्स लगा रखे हैं, तो मैंने वो दुआ अच्छे से याद कर रखी है विद मीनिंग से, और यहाँ पर जो मैंने फ्लावर्स लगाए हैं बटरफ्लाइज लगाई हैं उसे मैंने मतलब ये है कि मैंने अच्छी एक कुछ कुछ सूरतें जैसे कि जितनी यहाँ पर बटरफ्लाई उतनी मैंने सूरतें विद मीनिंग याद करी हैं, बाकी ये जो ऐसी तरीके से लीव्स हैं सारी वो मेरे सारे अच्छे काम के लिए हैं। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शिफा विजय पार्क चिल्ड्रन सर्कल की मेंबर हूँ। आज मैं आपके सामने अपना रमज़ान होमवर्क दिखाने जा रही हूँ। ये मैंने कार्ड बनाया है जिसके ऊपर मैंने कुरान छोटा सा कुरान बनाकर लगाया है। मैंने कुरान के ऊपर कुछ अशआर लिखी हैं। कुरान करीम रमज़ानों में नाजिल हुआ और हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा कुरान करीम की तिलावत करनी चाहिए। और ये मैंने ये एक ट्री बनाया है, ये एक ब्रांच एक अशरा, दूसरी ब्रांच दूसरे अशरा, और तीसरी ब्रांच 3 अशरा। जितने मैंने फ्लावर्स लगाए हैं
इतनी ही मैंने दुआ याद करी है। 30 हाथ बनाए हैं, मतलब 30 हाथ 30 रोजे। इस पर जो मैंने हरा रंग किया है वो उसका मतलब यह है कि जो मैंने नमाजें पढ़ी हैं, और ये जो जिस पे मैंने लाल रंग किया है ये बताता है कि जो मैंने नहीं पढ़ी, और पीला रंग ये बताता है कि जो मेरी कज़ा हो गई है। और ये मैंने सदका बॉक्स बनाया है जिसमें सदके के पैसे जमा किए हैं, ज़रूरतमंदों के लिए जमा किया जाता है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम आयशा है, मैं चिल्ड्रन सर्कल विजय पार्क की मेंबर हूँ। मैं अपना रमज़ान का हॉलीडे होमवर्क आप सबको दिखाना चाहती हूँ। ये इसमें तीन अशरों की दुआ लिखी है। फर्स्ट अशरे की दुआ है रब्बे फिल्ली बरहमनी वानता खैरुम राहिमीन, ये फर्स्ट अशरे की दुआ है। सेकेंड अशरे की दुआ है अस्तग़फिरुल्लाहु रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन वातूबु इलैही, ये सेकंड अशरे की दुआ है। और ये थर्ड अशरे की दुआ है अल्लाहुम्मा अजिन्नी मिनन नारी, ये थर्ड अशरे की दुआ है। अब ये हमने अपने 30 रोज़ों के 30 हाथ हैंड बनाए हैं, जैसे हाथ। और इसमें जो ये है ये सारी ये पांचों नमाज़ें लिखी हैं। इसमें जो ग्रीन कलर की नमाज है, ये जो ग्रीन कलर होया हुआ है, ये इसका मतलब ये है कि हमने सारी नमाजें पूरे टाइम पे पढ़ी हैं, जो जो उसका टाइम है। और इसके अंदर ये जो ग्रीन के अलावा ऑरेंज कलर है, इसका मतलब है कि जो हमने नमाज लेट पढ़ी है उसे ऑरेंज कलर करा है हमने। और इसका हमने बनाया है रमज़ान मुबारक का ग्रीटिंग कार्ड। इसमें हमने कुरान बनाया है, कुरान इस वजह से बनाया है क्योंकि रमज़ान में कुरान नाजिल हुआ था। और इसके अंदर हमने ये बनाया है, और इसके अंदर ये लिखा है कि किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का इंतज़ार ज़रूर करना, क्योंकि हम किसी के साथ गलत करेंगे तो अल्लाह पाक हमारे साथ भी गलत करेगा। और ये है हमारा सदका बॉक्स। ये हमारा रमज़ान का हॉलीडे होमवर्क था जो हमने पूरा कंप्लीट करा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, दुआओं में याद रखना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम फिजा है, मैं चिल्ड्रन सर्कल की विजय पार्क की मेंबर हूँ। मैं रमज़ान का हॉलीडे होमवर्क आप सबको दिखाना चाहती हूँ। ये सलाह चार्ट है, इस पर लिखा है फजर जहर असर मगरिब ईशा। ये रमज़ान के 30 हाथ हैं। ग्रीन कलर जो है वो हमने पूरी वक्त पर पढ़ी हैं, और ये जो ऑरेंज कलर है इसका मतलब है हमने थोड़ी लेट पढ़ी है। ये सदका बॉक्स है। ये हमारा ग्रीटिंग कार्ड है, इस पे लिखा है इस तक वाले रमज़ान ऐसा महीना हम जिसमें रमज़ान में हमें कुरान नाज़िल हुआ। रमज़ान मुबारक, दुआओं में याद रखना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, दुआओं में याद रखना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अल्तशा है, मैं चिल्ड्रन सर्कल विजय पार्क की मेंबर हूँ। हमने अपना रमज़ान होमवर्क दिखाना चाहूँगी। ये मैंने एक कार्ड बनाया है, इस पे छोटा सा कुरान इसलिए बनाया है क्योंकि कुरान रमज़ानों में नाजिल हुआ, और हमें कुरान करीम की तिलावत करनी चाहिए। कुरान करीम अल्लाह की तरफ से हमारे लिए एक तोहफा। और ये मैंने एक ट्री बनाया है, इस पे मैंने 3 ब्रांच बनाई है। पहली ब्रांच पहले अशरे के बराबर है, दूसरी ब्रांच दूसरे अशरे के लिए, तीसरी ब्रांच तीसरे अशरे के लिए। और इस पे जो ये फ्लावर्स बने हुए हैं ये बताते हैं इन रमज़ानों मैंने कितनी दुआ याद की। और ये मैंने 30 हाथ बनाए हैं, एक हाथ एक रोज़ा और 30 हाथ 30 रोज़े। ये जो इस पे हरा कलर हुआ है इसका मतलब ये है जो नमाज मैंने पढ़ी, और ये जो इस पे लाल रंग हुआ है इसका मतलब ये है जो नमाज मैंने नहीं पढ़ी, और ये जो पीला कलर हुआ है इसका मतलब ये है जो नमाज मैंने कज़ा करके पढ़ी।
और यह मैंने सदका बॉक्स बनाया है। सदका बॉक्स में मैंने सदका जमा किया है क्योंकि सदका ज़रूरतमंदों के लिए होता है और उन्हें इसकी बहुत ज़रूरत होती है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।